नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार ने किया ब्यूरोक्रेसी का बड़ा बदलाव, सीएस समेत 17 कलेक्टर बदले, 103 आईएएस के तबादले। जैसलमेर कलेक्टर नमित मेहता को ई गवर्नेंस अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। नागौर जिले के प्रधान आचार्य व व्याख्याताओं के स्थानांतरण को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। और अब खबरें विस्तार से। अशोक गहलोत सरकार ने बुधवार देर रात प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव फिर करते हुए 103 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने चौंकाने वाले निर्णय लेते हुए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। सरकार के सचिवालय से लेकर जिले तक के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। कुल मिलाकर 17 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। तबादले सूची में 8 ACS स्तर के अधिकारी और 16 प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। राजीव स्वरूप को अब देश के प्रशासनिक मशीनरी के मुख्य बनाए होंगे, उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं मुकेश कुमार शर्मा को अध्यक्ष इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, रविशंकर श्रीवास्तव को अध्यक्ष राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, गिरिराज सिंह को अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड, डॉक्टर मधुकर गुप्ता को ACS एवं प्रमुख आवासीय आयुक्त नई दिल्ली, सुबोध अग्रवाल को ACS खान व पेट्रोलियम, रोहित कुमार सिंह को ACS गृह और आर वेंकटेश्वर को अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर की कमान सौंपी गई है। जोधपुर के ओसिया न्यू बस स्टैंड स्थित आरा कृषि सेवा केंद्र पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि जोधपुर कृषि मंडी चेयरमैन जगराम विश्नोई द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिभा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। विश्नोई ने किसानों को बताया कि क्षेत्र का किसान रासायनिक खेती करने के अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझता चला आ रहा है। प्रदेश में बीमार मरीजों की बढ़ती संख्या व मुख्य कारण ही दूषित खाद्य सामग्री है। जैविक उत्पादों के प्रयोग व खेती करने से एक और जहां किसानों की रासायनिक खेती व केमिकल युक्त पदार्थ से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर तरफ किसान स्वस्थ रहेगा। वहीं प्रगतिशील किसान मांगीलाल विश्नोई ने किसान को जैविक खेती उत्पाद व वैज्ञानिक तरीके से खेती करने संबंधित जानकारी विस्तार में प्रदान की। जैसलमेर के पोखरण में सरकार की ओर से रात 8 बजे शराब की दुकानें बंद करने और शराब के विक्रय करने का नियम बनाया गया है, लेकिन पोखरण में इस नियम का पालन नहीं होता नजर आ रहा है। वहां 8 बजे बाद भी खुले आम धड़ल्ले से शराब बिकती है। जिम्मेदारों के दावों के बीच हकीकत ये है कि आज रात 8 बजे बाद किला रोड स्थित शिव मंदिर के पास शराब की दुकान को स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर बंद करवानी पड़ी। पोखरण कस्बे में किला रोड पर शिव जी के मंदिर के पास शराब की दुकान स्थित है। यहाँ रात्रि के समय पुलिस की गश्त भी रहती है और आबकारी विभाग के अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई अधिकारी इन दुकानों को बंद करवाने की हजमत नहीं उठा पाता है। कस्बे में स्थित शराब दुकानों में खिड़की व्यवस्था भी है और किला रोड पर स्थित शराब की दुकान में सेंटर में एक होल भी कर रखा है, जिसके अंदर से दुकान में बैठा दुकानदार बैठा रहता है और वो उस खिड़की से शराब बेचता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर विजय व्यास ने बताया कि इसको लेकर कई बार लिखित व मौखिक शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शराब का ठेका मंदिर के पास स्थित है, जहाँ से वहाँ आने वाले भक्तों व महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पोखरण में वार्ड नंबर 2 में एक शराब का ठेका खुला हुआ है, सरकारी शराब की दुकान है, जिसको हटाने के लिए हमने कई बार रिक्वेस्ट की है SDM साहब से और कलेक्टर साहब से भी, संबंधित विभाग में जिला आबकारी महोदय को और यहाँ के जो स्थानीय जो निरीक्षक थे उनसे भी हमने ये निवेदन किया है कि इस ठेके को कहीं और शिफ्ट किया जाए। पहली बात तो ये है कि ये जो ठेका खुला हुआ है बिल्कुल शिव जी का मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, और पास में ही गीता भवन राधा कृष्ण का मंदिर है। इन दोनों मंदिर के पास में ही खुला हुआ है। उनकी जो दूरी है मुश्किल से 10 मीटर की है। रोज़ महिलाएं यहाँ पे शिव जी के मंदिर में दर्शन करने आती है, लेकिन जब से ये ठेका खुला है उसके बाद महिलाओं ने आना बंद कर दिया दर्शन करने के लिए। कई बार ये भी होता है कि लोग शराब पी के पास मंदिर के बाहर टॉयलेट भी कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर असामाजिक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं। सरकार के नियम है रात को 8 बजे तक ही ठेका खुला रखने का। ये रात को
आठ बजे बाद भी 9-10-11 बजे तक खुला रहता है। साथ में इन्होंने छोटी सी एक विंडो भी बना रखी है जिससे सप्लाई करते रहते हैं। हमें डेली यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब को पुलिस थाने में कहना पड़ता है इस चीज़ को हटाने के लिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा सभी संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करके इसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ के लोग जो रहवासी है वो एक शांतिपूर्वक रह सकें। और आए दिन जो जिस तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके जो एक अशांतिपूर्ण माहौल बनाया जाता है उस पर भी नियंत्रण हो सके, तो मेरा एक बार वापस निवेदन है राज्य सरकार से, संबंधित अधिकारियों से और विभाग से कि इस ठेके को कहीं और शिफ्ट किया जाए जनहित में और जन भावनाओं का। जालौर के आहोर के माधोपुरा में बिजली विभाग ने बिजली की चोरी धरपकड़ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक माधोपुर के स्थित एक वाटर आरटीओ प्लांट की बिजली चोरी पकड़ी गई। इस दौरान बिजली विभाग के कार्रवाई कर मीटर व केबल जब्त किया गया और उपभोक्ता पर 7,91,000 का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने के लिए डिस्कॉम ने 7 दिन का नोटिस भी दिया है। कल अपने सहायक अभियंता विजिलेंस के द्वारा जालौर की जो टीम है और साथ में ATPS थाना जालौर के थानाधिकारी त्रिलोक जी के द्वारा माधोपुरा स्थित आरओ प्लांट की जांच की गई। उस कनेक्शन के अंदर जो 3-phase का मीटर लगा था उसके इनपुट साइड के अंदर ही आउटपुट लगाकर वो विद्युत चोरी करते हुए पाए गए। इसमें जुर्माना राशि है वो करीबन 7,91,000 बनाकर उनको नोटिस जारी किया गया है, जिनके लिए उनको जो उपभोक्ता है उनको 7 दिवस का टाइम दिया गया है। अगर 7 दिवस बाद वो अगर पैसे नहीं भर पाते हैं तो उस केस में फिर FIR रहे वो दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी सर कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया है? हाँ नहीं, विद्युत चोरी के मामले में हमेशा कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके उनका मीटर और उनकी जो भी सर्विस लाइन है उसको जब्त करके फर्ज जब्ती बनाई तैयार की जाती है। जैसलमेर जिले के फंडसूर में अखिल भारतीय पीपा क्षेत्रीय टाइगर फोर्स के तत्वाधान में कस्बे में स्थित संत शिरोमणि पीपा महाराज के मंदिर परिसर में साफ सफाई एवं श्रमदान किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में उमड़ी भीड़ व झंडियों को काटकर तथा कचरे व प्लास्टिक को एकत्रित किया गया। इस अभियान से मंदिर परिसर साफ स्वच्छ हो गया। अखिल भारतीय क्षेत्रीय टाइगर फोर्स जैसलमेर के अध्यक्ष रमेश जी पंवार ने समाज एवं आमजनों को साफ सफाई में रहने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम अपने घरों में गंदगी देखना पसंद नहीं करते, उसी प्रकार की सोच हमें अपने घर से बाहर भी लानी पड़ेगी। समाज सेवी भंवरलाल गोयल ने कार्यक्रम का संचालन, अभियान के दौरान सभी PKTA समाज बंधुओं ने सहयोग प्रदान किया। जोधपुर में समाज सेवी संगठन श्री ओम बना टाइगर फोर्स हिंदुस्तान में भी अब नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओम बना टाइगर फोर्स वे टीम द्वारा गोसेवा हेतु 21,000 रुपए का सहयोग दिया गया। आज जोधपुर के मांडौर स्थित पन्नालाल गौशाला में संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माधो सिंह उदाट ने जाकर गौसेवा के लिए उस सहयोग को सुपुर्द किया गया। इस गौशाला में गायों का इलाज, विकलांग गायों का इलाज व हजारों की संख्या में गौमाता है जिन्हें विराजमान है, उनकी सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर कुवैत के निवासी भाइयों द्वारा गौमाता के लिए सहयोग भोजन रावेल सिंह बालेवा, गोपाल सिंह खिरजा, हुकुमराम सैन, इन कार्यकर्ताओं ने गौदान हेतु सहयोग राशि भेजी। वहीं पन्नालाल गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा भी सभी साथियों का आभार व्यक्त किया गया। संगठन के कुवैत प्रभारी प्रेम सिंह उदट ने बताया कि विदेश में रहने वाले भाई हमेशा हिंदुस्तान के प्रत्येक कार्य में सहयोग करने के लिए अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। वैसे ही गौ सेवा जो मानव सेवा हो वह समाज हितोषी कार्यों में हमेशा अग्रणी रूप से भूमिका निभाते हैं और संगठन के माध्यम से समाज सेवी कार्यों में हमेशा भाग लेते हैं और आगे भी इस प्रकार प्रत्येक सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका के रूप में भाग लेने की बात कही। जय श्री राम, जय श्री ओम बना। ये जोधपुर के मंडोर में पन्नालाल गौशाला है, यहाँ पर गायों का बहुत ही अच्छा इलाज किया जा रहा है। अपंग गए हैं, जो एक्सीडेंट हुए गए आते ये ऑपरेशन क्लियर करें, बहुत बड़ा अच्छा लैब है। वो अंतर्राष्ट्रीय ओम बना टाइगर फोर्स कुवैत के कार्यकर्ताओं ने सहयोग भेजा है, मैं उनका 21,000 रुपये का सहयोग भेजा हूँ। उनका तहे दिल से हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आपका सहयोग इस पन्नालाल गौशाला में सुपुर्द किया है। और आपको बताते हैं इधर से कोई इलाज हो रहा है गायों का, जो अपंग गायों का इलाज किया जा रहा है, इस प्रकार से इलाज किया जा रहा है अपंग गायों का, बहुत ही पुण्य का कार्य है और ऐसे कार्य में हमेशा सहयोग करना चाहिए। जिन जिन साथियों ने सहयोग किया है अंतर्राष्ट्रीय ओम बना टाइगर फोर्स की तरफ से, उनका सभी का बहुत बहुत आभार। यह बहुत ही अच्छा इलाज किया जाता है, एक्सीडेंट हुई अपंग हुई गायों को लेके आते हैं।
हाल ही के देसूरी बाला विधानसभा क्षेत्र में देसूरी तहसील के 35 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत की उपस्थिति में भाजपा के सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के बाली विधानसभा क्षेत्र के देवासी समाज के एकमात्र सक्रिय युवा नेता कांग्रेस विशेष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के देसूरी से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहे राणा राम देवासी आना व मानपुर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी रहे मोतीलाल देवासी लामपीर के नेतृत्व में व दूधापुरा सरपंच दौलत राकिया के प्रेरणा से 35 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की व 25 युवाओं ने भाजपा के माध्यम से एक नई राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। यह कार्यक्रम आना ग्राम के स्थित मामाजी मंदिर पर सम्पन्न हुआ। इस दौरान बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, भाजपा जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार, जिला महामंत्री घीसूलाल मेघवाल, भाजपा देसूरी मंडल अध्यक्ष अशोकपुरी गोस्वामी, नोडल अध्यक्ष सतीश सोनी सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता व ग्रामवासी उपस्थित रहे। जैसलमेर जिला कलेक्टर अमित मेहता को ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान आईटी से संबंधित गतिविधियों व उत्कृष्ट व उल्लेखनीय योगदान तथा आईटी क्षेत्र के नवाचारों को दिया जाता है। जिला कलेक्टर अमित मेहता के प्रयासों से डीएमआईएस पोर्टल पर जैसलमेर जिले के सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की है। जैसलमेर राज्य का पहला ऐसा जिला है जिसने इस पोर्टल का आशालित सफल क्रियान्वयन किया है। इसके अंतर्गत बहुत ही कम समय में किसानों को कृषि आदान व अनुदान की संबंधित गतिविधियों, डाटा एंट्री, रिकॉर्ड संसाधन एवं कार्ड समय पर भुगतान के साथ ही पशु शिविरों की स्वीकृति और भुगतान आदि गतिविधियों के माध्यम से सराहनीय कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। जिला कलेक्टर अमित मेहता को ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित होने पर जिले में खुशी की लहर है। सभी लोग कलेक्टर साहब को बधाई दे रहे हैं। नहीं, जो ई गवर्नेंस अवार्ड है वो राज्य सरकार द्वारा साल में एक बार, जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरीज होती है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भी एक कैटेगरी है, उसके अंदर अफॉर्चुनेटली इस बार जो 18-19 के जो अवार्ड्स हैं उसके लिए जैसलमेर को लिया गया है। और उसमें बेसिकली जो जैसलमेर ज़िले के अंदर जनवरी फरवरी 19 के अंदर जो DMIS पोर्टल है जिसपे हम कृषि आदान अनुदान बांटते हैं तो यहाँ पर लगभग 1.5-1.75 लाख किसानों को बढ़ता है। और 19 के अंदर जो 19 के पहले महीने थे उसमें हमने इसको विग्रसली फॉलोअप करवा के 15-20 दिन के अंदर ही सारा पैसा, ऑलमोस्ट सारा पैसा 90% से ज़्यादा किसानों को बंटवा दिया था। अन्यथा जनरली जब उसको मैनुअल प्रक्रिया थी तो उसको करने में साल दो साल लग जाते थे, लोगों को अपना पैसा नहीं मिलता था, तो उससे वो बहुत अच्छी तरीके से जैसलमेर में किया गया, उसी को राज्य स्तर पर अप्रिशिएट किया गया, उसी के हिसाब से। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर छात्र संगठन SIF की तहसील कमेटी रायसिंह नगर ने विद्यार्थियों मांगों को लेकर SBS कॉलेज के बाहर धरना लगाया और मुख्यमंत्री के नाम शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य अंकित गोदारा के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी मांगों में प्रमुख रूप से 3 मांगों को उठाया गया है, जो सभी परीक्षाओं को रद्द करके विद्यार्थियों को पिछली कक्षा से 10% अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण किया जावे, सत्र 2020-21 की संपूर्ण फीस माफ हो, लॉकडाउन के दौरान सभी विद्यार्थियों का कमरा किराया माफ हो। इस अवसर पर जिला महासचिव रवि सांडेला, तहसील अध्यक्ष विकास बिश्नोई, कैलाश सांडेला, सिद्धार्थ मेघवाल सहित काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। अलवर के बांसूर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने बांसूर का दौरा किया। इसके साथ ही पूर्व यातायात मंत्री ने बांसूर के बस स्टैंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड की जर्जर हालत देखकर विधायक से इसे जल्द चालू कराने की मांग की, जिससे क्षेत्र की जनता को आवागमन में सुविधा मिल सके। पूर्व मंत्री ने बताया कि बांसूर में बस स्टैंड का निर्माण 25 वर्ष पहले उनके कार्यकाल में किया गया था, जो आज तक चालू नहीं किया गया। वहीं बस स्टैंड की हालत जर्जर हो गई है। पूर्व मंत्री ने बांसूर विधायक से बस स्टैंड को जल्द से जल्द चालू कराने की मांग की। रिंग रोड बढ़ जाएगा तो रिंग रोड से बसों का संचालन करेंगे, इसलिए गिरधारीदास बाबा के यहाँ खाली जमीन पड़ी थी, लोग कब्जा करना चाहते थे, उस जमीन को नियमों में रोडवेज के लिए पैसा कहाँ से आए, बस स्टैंड के लिए पैसा कहाँ से आए। ऐसी स्थिति में मैं चूंकि रोडवेज का मंत्री था तो मैंने रोडवेज से एक सब डिपो के नाम पर एक ज़मीन खरीदाई और उस ज़मीन मेरे ख्याल 7 बीघा ज़मीन उस पर, तो उसका जो सरकारी मूल्य था उस वक्त 7 लाख रुपए,
7 लाख का चेक जमा करा करके 7 बीघा जमीन हमने रोडवेज का बस स्टैंड बनाने के लिए की, ताकि मैं फ्यूचर में बानसूर जब शहर बन जाएगा तो उसमें एक सुंदर बस स्टैंड उसको मिलेगा। और ये ज़मीन कोई खुर्द मुर्द नहीं कर सकेगा या इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। तो वो 7 लाख में बनाई और करीब 2.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये उस टाइम में दीवार खिंचवाई उसके चारों तरफ और एक टिकट की खिड़की विंडो बनाई, बस स्टैंड का स्वरूप मैंने तैयार किया। उसके बाद दुर्भाग्य से मैं कभी पावर में नहीं रहा, MLA भी बना तो विपक्ष का बना, और ये बस स्टैंड जो बहुत ही सुंदर बस स्टैंड होना चाहिए था ये वैसा का वैसा रह गया, इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 1997 की बात है कि मुझे दिल्ली में नेशनल ट्रांसपोर्ट काउंसिल की मीटिंग में जाने का मौका मिला। गौरलाल जी शर्मा साहब भी शहरी विकास मंत्री होने के नाते वो भी मेरे साथ थे और हमने नेशनल काउंसिल की मीटिंग में दिल्ली में भाग लिया। तो हमने ये जो NCR में जो भेदभाव हो रहा है, उस वक्त NCR में तिजारा, किशनगढ़ और टपुकड़ा और बहरोड था, पूरा जिला NCR में नहीं था। तो हमने उस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया स्वयं ने, उस वक्त जमाने में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, सारे अखबार भी भरे पड़े हैं उस टाइम के, मेरे पास भी उनकी कटिंग्स है। मैंने मुद्दा उठाया और मैंने तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री RK धवन साहब के सामने कहा कि बानसूर में अलवर ज़िले में दोहरा प्रशासन चल रहा है, 3-4 तहसीलों का प्रशासन तो केंद्र से प्रभावित होता है और बाकी राज्य से प्रभावित होता है, तो ये दोहरी नीति के कारण अलवर ज़िले को कोई लाभ उठाना नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, अतः आपकी कृपा होगी तो संपूर्ण ज़िले को दोहरी नीति ना अपना करके संपूर्ण ज़िले को 1 करोड़ सबको NCR में घोषित करो। उसी मीटिंग में मैंने पूरे ज़िले को NCR में। नागौर जिले के प्रधानाचार्य व व्याख्याताओं के स्थानांतरण के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। अक्टूबर 2019 में राजस्थान की 2 विधानसभा के उपचुनाव के कारण नागौर और झुंझुनू के व्याख्याताओं एवं प्रिंसिपलों के ट्रांसफर आचार संहिता के चलते रोक दिए गए थे। सभी बाकी जिलों के व्याख्याताओं एवं प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए गए थे। राधा कृष्ण भाटी बाल व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुल्लर नागौर ने बताया कि दोनों जिलों के सभी व्याख्याताओं पिछले 10 महीने से लगातार ट्रांसफर की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इसलिए सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय व आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इन जिलों के व्याख्याताओं एवं प्रिंसिपलों के ट्रांसफर कर उनके साथ भी न्याय किया जाए, क्योंकि पहले आचार संहिता के कारण ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे, इसके बाद भी बोर्ड की परीक्षाओं के चलते, उसके बाद में अब कोरोना के चलते ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ऐसे में अब जब नया सत्र शुरू हो गया है, अभी विद्यालय सुचारू रूप से शुरू नहीं है, तो इन व्याख्याताओं और प्रिंसिपलों के ट्रांसफर आसानी से किए जा सकते हैं। इसलिए व्याख्याताओं के संघ के बार बार आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर अपनी समस्याओं को इससे अवगत करवा चुके हैं, परंतु अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। सरकार के श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ आज काली पट्टी धारण करने का निर्णय किया यूनियन ने, विभिन्न श्रमिक संगठनों के आह्वान पर। श्रमिक संगठन अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार की नीतियां चल रही है, बैंकों के निजीकरण, विशेष तौर से निजीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है और आपस में विलीनीकरण की नीतियाँ चल रही है, उसके खिलाफ आज केवल काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन तो और भी करना था, लेकिन क्योंकि COVID-19 के कारण अधिक प्रदर्शन नहीं कर सकते, यदि भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, बैंक का काम इसी से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। आज पूरे दिन भर बैंक कर्मी काली पट्टी बांध करके विभिन्न शाखाओं में, अपनी अपनी शाखाओं में काली पट्टी बांध करके काम करेंगे। भीलवाड़ा जिले के अंदर अगर गिनेंगे तो 600 से ज़्यादा कर्मचारी अवार्ड स्टाफ वाले कर्मचारी हैं। भविष्य में नहीं करेंगे तो जो भी यूनियन का, हमारे केंद्रीय सरकार, केंद्र यूनियन का जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से यदि हड़ताल भी करनी पड़ी तो आने वाले समय में हड़ताल भी करेंगे। भीलवाड़ा में बैंक के निजीकरण के विरोध में भीलवाड़ा के बैंक कर्मियों ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से श्रम कानून से छेड़छाड़, काम के समय बढ़ोतरी नहीं करने की मांग की। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांग नहीं मानी जाती है तो वह उग्र आंदोलन करते हुए हड़ताल करेंगे। RPBIU के सचिव अशोक कुमार बिरला ने बताया कि केंद्र सरकार ने श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ
हम काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, जिसमें बैंक के निजीकरण व वैलीकरण के कारण कर्मचारियों की काफ़ी समस्या हो रही है। इसके कारण आज हमने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। इसके साथ ही अभी तक हम काम प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इसके लिए यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही भीलवाड़ा में केंद्र सरकार के श्रम विरोधी नीतियों एवं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में आज भीलवाड़ा जिला कलेक्टर पर विभिन्न श्रम संगठनों व पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने काली पट्टी बांधकर और छतरी लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मांग की है कि श्रम विरोधी नीतियों के बदलाव और निजीकरण नहीं किया जाए। सीटू के प्रांतनीय प्रतिनिधि ओम प्रकाश देवानी ने कहा कि हम केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे श्रम विरोधी कानून को लेकर काली छतरी और पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार निजीकरण को बंद करे, पेट्रोल डीजल की दरें कम करे और श्रम कानून विरोध में आपस में लेने की मांग करे। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार निजीकरण को बंद करे, पेट्रोल डीजल की दर कम करे और श्रम विरोध कानून को वापस लेने की मांग करे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम श्रमिकों ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान का वेतन दिलवाने, प्रवासी श्रमिकों को सुविधा प्रदान करने और बिजली पानी के बिल माफ करने की मांग का भी ज्ञापन सौंपा है। आज पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियन श्रम संगठनों के द्वारा 3 तारीख को काली छतरी काली पट्टी बांध करके श्रम विरोधी कानून को लेकर आज सभी श्रम संगठनों ने विरोध किया है, जिसमें इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस ये सभी श्रमिकों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया है। नरेंद्र मोदी द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है संस्थाओं का और जो निरंतर महंगाई और पेट्रोल का भाव बढ़ता जा रहा है, उन सबकी मांगों को लेकर श्रमिक विरोधी कानून जो बनाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर के आज ज्ञापन और प्रदर्शन किया गया है। और स्थानीय स्तर पे जो समस्याएं राज्य स्तर की है उनको अशोक गहलोत के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। उसके अंदर जो टेक्सटाइल के श्रमिकों के साथ जो शोषण हो रहा है, प्रवासी श्रमिकों का जो कार्य होना चाहिए वो प्रवासियों को सुविधाएँ नहीं दी जा रही, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, उसके विरोध में बिजली और पानी की जो मांग है उसके बिलों को निरस्त करने के लिए विशेष करके मांग रखी गई है। पिछले 2 महीने से भीलवाड़ा के टेक्सटाइल श्रमिकों को फैक्ट्री मालिकों द्वारा लॉकडाउन का वेतन नहीं दिया जा रहा है और साथ ही उनको काम से बेदखल किया जा रहा है। श्रम विभाग भी पंगू होकर के बैठा है, कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पिछली बार भी 23 तारीख को हमने ज्ञापन दिया परंतु उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। भीलवाड़ा की जो बड़ी बड़ी यूनिटें हैं, जो संगम, बड़जातिया, टाइटन, सूरज यूनिवर्सल, इन बड़ी फैक्ट्रियों के कम से कम 250 मजदूरों को रोड पे कर दिया है, इनका लॉकडाउन का पैसा। चूरू के सरदार शहर में कोरोना काल में पुलिस और डॉक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरदार शहर के एक ऐसे दंपति है जो अपने 5 साल के जुड़वा बच्चों को घर में ताले में बंद कर कोरोना के खिलाफ लड़ने निकल पड़ते हैं। आज भारतीय मानव विकास संस्थान की ओर से कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले एक दंपति को माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संजय बसेरा राजस्थान पुलिस के कार्यरत हैं और उनकी पत्नी एनएमएम में पद में कार्यरत है। इस दंपत्ति ने कोरोना काल में अपने 5 वर्षीय जुड़वा बच्चों को घर में अकेला छोड़कर ड्यूटी की थी। यह दंपत्ति कोरोना योद्धा के रूप में आज पूरे आसपास के क्षेत्र में चर्चित है। 5 साल के जुड़वा बच्चों को ताले में बंद करके अकेले इस पत्थर पर रख के काम किया था। 5 साल के जुड़वा बच्चों को ताले में बंद करना कलेजे पर पत्थर रखने से कम नहीं था, लेकिन इस दंपत्ति ने अपने कर्ज के आगे ममता को रोक कर दिखाया। भारतीय मानव विकास संस्थान के प्रदेश सचिव ने प्रशांत स्वामी ने बताया कि इस दंपत्ति द्वारा कोरोना काल में सराहनीय कार्य किया गया है। इनका हौसला अफजाई करने के लिए आज इन दोनों को कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मानव विकास संस्थान के द्वारा जो इस वैश्विक महामारी के अंदर ये राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल है और मैडम जी है, तो इन्होंने भी मतलब एक कर्मठ रूप से जो इस वैश्विक महामारी के अंदर अपनी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी निभाई है, उनका भारतीय मानव विकास संस्थान सरदार शहर इकाई के द्वारा इनका सम्मान किया गया है। और मतलब जैसे कि इस महामारी के अंदर पुलिस ने जो और डॉक्टर्स ने जो इतना बड़ा सहयोग दिया है जनता को, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद है इसी तरह से आगे के लिए भी ये ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। सर आपका नाम? प्रशांत स्वामी, राजस्थान प्रदेश सचिव। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।